हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ दही वड़ा, जो कि आप लोग को बेहद ही टेस्टी लगेगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 से 3 कप उड़द की दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो ली हूँ। आप जितना बनाना चाहें उसके अनुसार उड़द की दाल को भिगो लें। वैसे तो उड़द की दाल और मूंग दाल दोनों की भी दही वड़ा बनती है, पर अभी मैं यहाँ सिर्फ उड़द दाल की दही वड़ा बना रही हूँ, वो भी मैं बाद में बताऊँगी आपको। और उनको मैं और जितना भी दाल था सारा को मैं दरदरा सा पीस ली हूँ। तो देख सकते हैं ज़्यादा मैं पतला नहीं की हूँ इसे, दरदरा एकदम दरदरा सा पीसना है इसे। और इस तरीके से मैं इसे चम्मच की मदद से 8 से 10 मिनट तक लगभग मिलाऊंगी, ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए और कहीं भी इसमें बड़ी बनाने के बाद गांठ ना रहे। तो देख सकते हैं आप, जब तक कि ये पानी में डालने के बाद ऊपर नहीं आ जाता है तब तक मैं इसे मिलाऊंगी। तो लगभग 10 मिनट हो चुका है मिलाते हुए, और हम एक बार पानी में डालकर दिखाते हैं आपको कि ऊपर ये आया है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये एकदम से पानी में डालने के बाद ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब ये फ्लफी सा हो चुका है। और अब इसमें थोड़ी सी भी कहीं भी गांठ नहीं रहेगी बड़ी बनाने के बाद। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च का टुकड़ा बारीक कटी हुई, और 2 इंच का अदरक बारीक कटी हुई। तो ये दोनों डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, और तीनों डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरीके से मिला दूंगी, ताकि नमक पूरी तरीके से मिल जाए इसमें। और अब ये मेथड मेरा तैयार हो चुका है। तो अब मैं चलती हूँ दूसरी ओर। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं मिला ली हूँ इसे, और मिलाकर रख ली हूँ। तो अब मैं लूँगी दही। तो यहाँ मैं 4 बड़ा चम्मच दही ली हूँ, और इसे मैं अच्छी तरीके से मिला दूँगी। चम्मच की मदद से ही मैं मिला रही हूँ इसे, ताकि इसमें भी कहीं भी ज़्यादा थक्का ना रहे दही का, और ये अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाए दही का। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं मिलाती जाऊँगी लगभग 5 मिनट तक। 5 मिनट में ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़ा चम्मच चीनी का पाउडर। अगर आपके पास चीनी पाउडर ना हो तो आप चीनी भी डालकर इसे 10 मिनट के लिए रख सकते हैं, ताकि इसके अंदर चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए। तो देख सकते हैं इसे मिलाने के बाद ये कितना एकदम क्रीम जैसा बन चुका है, कहीं भी गुठलियाँ नहीं दिख रही हैं। तो देख सकते हैं यहाँ मैं 2 चम्मच चीनी का पाउडर डाली हूँ, और पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मैं मिला लूँगी। और मैं यहाँ 2 चम्मच पाउडर का यूज की हूँ। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो आप ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं चीनी का। तो मेरा दही ज़्यादा खट्टा नहीं था, इसलिए मैं हल्का सा मीठापन के लिए 2 चम्मच चीनी का यूज की हूँ। और अब मैं चढ़ाई हूँ कढ़ाई में डाली हूँ रिफाइन ऑयल, और इसे मैं गर्म होने दूँगी हाई फ्लेम पर पहले। और जब इसके ऊपर से धुआँ उठने लगेगा तब मैं इसका फ्लेम मीडियम लो पे कर दूंगी। और इसमें मैं इस तरीके से बड़ा का शेप देकर सारा छान लूंगी इसे। तो देख सकते हैं नहीं ज़्यादा बड़ा और नहीं ज़्यादा छोटा बनाना है, एकदम मीडियम साइज़ का बनाना है आपको। और आपको अगर लगे कि आपका जो बड़ा का घोल है वो ज़्यादा मोटा या पतला है, तो आप उसे मीडियम कर लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा मोटा रहने से भी ये अच्छी तरीके से नहीं फूलेगी, और ज़्यादा पतला रहने से इसका अच्छा शेप नहीं बन पाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसे उल्टा पलटा करके मीडियम फ्लेम पर छान लूँगी, इसे पका लूँगी अच्छी तरीके से। और एक साइड 2 से 3 मिनट पकाऊँगी, उसके बाद पलटाने के बाद दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट पकाऊँगी। इसके बाद मैं एक पतीला में हल्का सा पानी ली हूँ, हल्का सा गर्म पानी ली हूँ,
और इसे ज़्यादा ना गर्म नहीं करना है, हल्का ही गर्म रखना है। और आपको जितना पानी लगे कि मेरा बड़ा जो है वो सारा अच्छी तरीके से डूब जाएगा उतना पानी लें आप। तो यहाँ मैं 3 ग्लास के लगभग पानी ली हूँ और उसमें 1/2 चम्मच नमक डाली हूँ और 1/4 स्पून हींग डाली हूँ और दोनों को मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी पानी में। तो इधर भी मेरा बड़ा जो है एक साइड पक चुका है, तो अब मैं इसे पलटा लूँगी दूसरी साइड। जब ये एक साइड पक जाता है तो हल्का हल्का किनारे से ब्राउन ब्राउन दिखने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो नीचे से पक चुका है, तो आप उसे पलटा लें। तो देख सकते हैं मैं दूसरी साइड इसे पलटा ली हूँ और दूसरी साइड भी मैं हल्का ब्राउन होने तक पकने दूँगी। और इसी तरीके से उलटाते पलटाते हुए मैं इसे हल्का ब्राउन होने तक पका लूँगी। तो देख सकते हैं इस तरीके का ब्राउन रहना चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, हल्का सा ही ब्राउन रखना है। और अब मैं इसे छान करके उसी गर्म पानी में डाल दूँगी जो गर्म पानी में मैं नमक और हींग मिलाई थी। तो देख सकते हैं आप, अब मैं इसमें डाल दूँगी। निकालने के बाद जस्ट आप इसी में डालें और इसमें डालने के बाद इसे मैं ढककर रख दूँगी और फिर से बनाऊँगी जितना भी मेरे पास बड़ा का बैटर है सारा मैं बनाऊँगी और इसी में डालती जाऊँगी और इसे ढक दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। इसमें गर्म पानी में देने से ये अच्छी तरीके से फूल जाता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं ढक दी हूँ और इधर मैं फिर से बनाऊँगी। तो इसी तरीके का प्रोसेस मैं करती रहूँगी जब तक कि मेरा पूरी तरीक़ा से सारा बड़ा बन नहीं जाता है। और ये बड़ा मेरा बनकर तैयार हो चुका है सारा। तो अब मैं चलती हूँ अगली प्रोसेस की ओर। तो देख सकते हैं एक प्लेट ली हूँ मैं और जितना भी बड़ा है उसको मैं एक एक करके निकालती जाऊँगी और उसका पानी जो है वो सारा निचोड़ती जाऊँगी और एक प्लेट में, या फिर आप जितना सर्व करना चाहते हैं उतना सर्व कर सकते हैं। तो मैं एक प्लेट में जितना हुआ उतना ही सर्व कर रही हूँ अभी। तो एक प्लेट में मेरा 3, 4, 7 हुआ है। तो एक प्लेट में मैं 7 बड़ा का पानी निचोड़ करके रख दी हूँ और अब मैं इसके ऊपर से डालूँगी दही। तो दही का भी मैं पेस्ट पहले से ही तैयार कर ली हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं एक एक चम्मच करके सारे बड़े के ऊपर मैं दही डालूंगी। और दही थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है क्योंकि दही बड़ा है, तो दही ज़्यादा और बड़ा कम खाना ही है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम सारे बड़े के ऊपर दही डाल देंगे और अब मैं इसके ऊपर से डालूंगी हल्का सा काला नमक। अगर आप नॉर्मल नमक भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ काला नमक का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास काला नमक हो तो आप उसी का यूज करें। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं एक चुटकी छिड़क दूँगी इसके ऊपर से और अब मैं इस पर डालूँगी इसके ऊपर से जीरा और सूखा मिर्च का पाउडर जो कि मैं पहले ही तैयार कर ली हूँ। तो जीरा, 1 चम्मच जीरा और 3 से 4 सूखा मिर्च को मैं भून ली थी तवा पर और उसका दरदरा सा पाउडर तैयार कर ली हूँ। तो देख सकते हैं अब मैं इसके ऊपर से हल्का सा वो भी छिड़क दूँगी, जीरा और सूखा मिर्च का पाउडर। अगर आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी छिड़क सकते हैं, पर मैं एक साथ ही दोनों का यूज की हूँ। और अब मैं इसके ऊपर से डालूँगी चाट मसाला। तो देख सकते हैं ये मेरा चाट मसाला है और एक चुटकी मैं इसके ऊपर से चाट मसाला भी छिड़कूँगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसके बाद अब मैं इसके ऊपर से डालूँगी टोमेटो सॉस। अगर आपके पास इमली का चटनी हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई मीठी चटनी हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मीठी चटनी की जगह पर टोमेटो सॉस का यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सारे बड़े पे थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी और अब मैं इसके ऊपर से डालूँगी सेब। तो अगर आपके पास सेब हो तो डालें आप, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर से आप बेदाना भी डाल सकते हैं, जो भी जिस भी चीज़ से आप गार्निश करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से मैं सेब डाली हूँ। तो इस तरीके का दही वड़ा मेरा बनकर तैयार हो चुका है। तो मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं इसे सर्व कर सकती हूँ। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी।